नमस्कार दोस्तों, कोरोना काल से उभरते हुए भारत में नए रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत ईपीएफओ यानी कि इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट दिया गया है। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ क्या मिलेगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके तहत अगले 2 साल तक के लिए केंद्र सरकार द्वारा इम्प्लॉइज का 12% और इम्प्लॉयर का 12%, टोटल 24% पीएफ कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार द्वारा जमा किया जाएगा उन कर्मचारियों का जिन्होंने 1 अक्टूबर 2020 से अपनी नौकरी ज्वाइन की है, यानी कि जिन्होंने फ्रेश जॉब ज्वाइन किया है। इसके अलावा उन कर्मचारियों को भी जिन्होंने 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में अपनी नौकरी गंवा दी थी, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद जो है फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच में जितने भी नए नौकरी ज्वाइन करेंगे, जितने भी कर्मचारी, तो यहाँ पर उन सभी कर्मचारियों को और उनके नियोक्ताओं को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कर्मचारी का 12% पीएफ कंट्रीब्यूशन और नियोक्ता का 12% पीएफ कंट्रीब्यूशन, टोटल 24% पीएफ कंट्रीब्यूशन अगले 2 साल तक के लिए केंद्र सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। लेकिन जिन कंपनियों के अंतर्गत 1000 से कम इम्प्लॉइज हैं, उन्हीं का जो है इम्प्लॉइज का 12% और इम्प्लॉयर्स का 12% टोटल 24% पीएफ कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार जमा करेगी। जिन कंपनियों के अंतर्गत 1000 से ज्यादा इंप्लॉइज हैं, तो उनमें केवल इंप्लॉइज का 12% जो है कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार द्वारा जमा किया जाएगा, बाकी इंप्लॉयर का जो 12% कंट्रीब्यूशन है वो उनको खुद को जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा इसकी और क्या क्या शर्तें हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शर्तें क्या है देखिए। सबसे पहला, उन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा जिनकी सैलरी 15,000 से कम होगी। 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक जो भी नए कर्मचारी जुड़ेंगे उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। 1 अक्टूबर 2020 के बाद एकदम नए भर्ती हुए कर्मचारियों को तो इसका लाभ मिलेगा ही, साथ ही उन कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा जिन्होंने 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी गंवा दी थी और दोबारा नौकरी ज्वाइन की है। अब चलिए जान लेते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ पाने के लिए योग्यता। तो यहाँ पर सबसे पहला है, कंपनी को ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसी कंपनी जो सितंबर 2020 के बाद नए कर्मचारी को नौकरी में ले रही है, अगर सितंबर में 50 से कम कर्मचारी हैं तो उसके बाद कम से कम 2 कर्मचारी ज्वाइन कराने होंगे, और अगर 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो कम से कम 5 कर्मचारी ज्वाइन कराने होंगे। जो कंपनियां ईपीएफओ के तहत नए रजिस्ट्रेशन होंगे उनके सभी कर्मचारी को इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, देखा जाए तो इसके तहत ज्यादा कुछ ऐसी हार्ड कंडीशंस नहीं रखी गई हैं और इसके तहत लगभग सभी इम्प्लॉइज और इम्प्लॉयर जो है आ जाएंगे और सभी को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए इसकी पूरी डिटेल में अगर पता करना है आपको, तो आप नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाइए और चेक कीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।